मिनी लंदन, मैकलुस्की गंज, प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड सरकार की ओर से मारुति कुमारी के परिवार को 10 लाख रुपए की सरकारी सहायता देने की घोषणा करते हुए कहा है कि दोषी पर कानून समस्त कार्रवाई की जाएगी। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने जरमुंडी में मारुति कुमारी के परिवार से मिलकर पूरे मामले की जानकारी लेकर उसे मदद करने का आश्वासन दिया। वहीं सांसद सुनील सोरेन ने बीजेपी की ओर से 2 लाख रुपए की मदद करने की बातें कही है। सभी जगहों की जानकारी हमें प्राप्त है और आपको मालूम है कि उन पर कार्रवाई भी चल रही है। जो लोगों ने कृत कार्रवाई की है उन सभी लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है और हमारा प्रयास है कि सरकार, पुलिस प्रशासन अपना कार्य मुस्तैदी से करे और जो गुनाह करे उसको कड़ी से कड़ी सजा अविलंब। आज के लिए सोचने की बात है कि ऐसे तत्व जो अचानक सक्रिय हो उठे और इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति हो रही है, सरकार के जब भी संज्ञान में आया सरकार ने संवेदनशीलता और अपने कृत कार्रवाई से कहीं कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी है। जिसने इस घटना को अंजाम दिया उसे कठोर से कठोरतम सजाएं तो मिलेगी ही। इसके लिए प्रशासन और न्यायपालिका दोनों संवेदनशील है, लेकिन यह घटना जो निरंतर हम लोगों को शर्मसार करती है, कलंकित करती है, इस तरह के तत्व यदि हमारे बीच मौजूद हैं और उसकी जानकारी इस एंड पे हमें मिलती है, ये सोचने की बात है कि उसकी जानकारी हमें पहले होनी चाहिए। यदि 5 दिन पहले उस बच्ची के साथ ऐसे किसी ने धमकी दिया था सरेआम, तो जहाँ से वो बात यदि हमारे लेवल पे, थाना लेवल पे, किसी लेवल पे संज्ञान में आता, तो इसको यही ये जो पॉइंट है कि 5 दिन से आज के अंतराल में छोटी छोटी बातों को हम नज़रअंदाज कर देते हैं और वो बड़ी घटना बन जाती है। जो पीड़ित होती है वो कैसे बचे, उसके लिए जो है भारतीय जनता पार्टी ने 2 लाख रुपया जो है सहायता देने का काम किया है और आगे भी हम लोग देखेंगे। और साथ ही साथ जिस तरह से यहाँ सरकार का रवैया है, अभी सरकार को तुरंत जो है वह एयरलिफ्ट करके जो है बाहर ले जाए बेहतर इलाज के लिए, ये करना चाहिए। और जिस तरह से यहाँ झारखंड में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चौपट है, कानून का कोई डर भय नहीं है, कांड पर कांड होते जा रहा है, तो कहीं ना कहीं हमको लगता है कि इसमें सरकार गंभीर नहीं। देखिए, इसको हम सबों को रोकना पड़ेगा और ये कानून का भय देना पड़ेगा। और इस तरह का ट्रैक अगर हमारे चल गया तो इस तरह का लगातार घटना होती रही, इसके लिए कड़ा कदम उठाना होगा। लेकिन यहाँ की सरकार जो है कोई काम नहीं कर रही है, सरकार गंभीर नहीं है। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।